स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का टॉपिक है डिजाइन ऑफ स्टेयर, सीढ़ी कैसे बनाएं 7x6 फीट में। ओके, पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो आप लास्ट तक देखें। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सिविल साइट नॉलेज एक ऑफर लेकर आया है आप सबके लिए। मैं लास्ट में डिटेल में बताऊंगा कि ऑफर क्या है, ये कब तक वैलिड होगा और इसमें आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, देखिए जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, अगर सिविल साइट नॉलेज का मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा रेड कलर सब्सक्राइब के बगल में, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए, मेंबर बन जाइए। अगर आप मेंबर बनते हैं तो ये ऑफर का डायरेक्ट बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ओके, देखिए एक्चुअली में जब हम सीढ़ी बनाते हैं तो माइंड में ये प्रश्न होता है कि कहीं स्टेयर खाड़ा न बन जाए जो कि चढ़ने में परेशानी हो। ओके, तो स्टेप का हाइट कितना रखें, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको चढ़ने में परेशानी ना हो, ये भी मैं रिकमेंड करूंगा। और साथ साथ में इस एरिया में, इस 6x7 फुट में स्टेयर कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि घर में एक ऐसा स्टेयर बनाए जो कि किसी को परेशानी ना हो, वो आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उनको चढ़ने में स्टेयर पे कोई परेशानी ना हो, तो देखिए आपका एक, ये देखिए एक स्टेप का ये हाइट है। ओके, तो ये स्टेयर है, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर ये लैंडिंग आएगा, ठहराव आएगा और आपका ये स्लैब आ जाएगा, ये छत आ जाएगा। तो ये छत का हाइट कितना रखें ये भी मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, जनरली अगर आप घर बनाते हैं स्लैब का हाइट 10 फुट रखिए, सफिशियंट है। इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, साथ में एक राइजर, इसको राइजर बोलते हैं कि स्टेप के हाइट कितना रखना चाहिए, तो इसको बोलते हैं राइजर, और जिस पे आप पैर रखकर चढ़ते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड। ओके, टी से मैं डिनोट कर रहा हूं और इसको आर से। तो एक स्टेप जो बनता है, देखिए यहां पे जो स्टेप बनना है इसका हाइट कितना रखें ताकि कोई परेशानी ना हो, तो इसका हाइट आप रख सकते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू, देखिए अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं यानी कि पब्लिक प्लेस वाले बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो वहां 5 इंच रख सकते हैं, यानी कि इसका हाइट 5 इंच से 7 इंच के बीच में। लेकिन कंफर्टेबल मैं रिकमेंड करूंगा, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वहां 6 इंच रखें। ओके, और टी की जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं इसको टी मैं बोल रहा हूं। ओके, और ये आर है। तो टी का साइज अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस वाली बिल्डिंग, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो यहां पे 1 फीट रख सकते हैं, यानी 12 इंच रख सकते हैं। लेकिन जब आप घर बनाते हैं तो वहां पे आप 10 इंच रखें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं तो 10 इंच। तो ये दोनों मैं रिकमेंड कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू 10 इंच। ओके, और R इज इक्वल टू आपका 6 इंच। तो अगर इस टाइप के अगर स्टेयर बनाते हैं, जब कभी भी बनाए देखिए किस टाइप का स्टेयर बनाना चाहिए, तो यू शेप स्टेयर बनाइए। ओके, यू शेप स्टेयर बनाइए। तो यू शेप जो स्टेयर बनता है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ओके, देखिए ये आपका यहां पे ये यू शेप में बनेगा, तो ये आपका लैंडिंग हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा, और दो फ्लाइट होता है, यानी कि दोनों फ्लाइट के बीच में जो गैपिंग होता है ये आपको रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई भी सामान ऊपर नीचे ले जाते हैं तो आपको क्या होता है, आसानी होता है। यानी कि दोनों फ्लाइट, यानी फ्लाइट वन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लाइट वन है, ये पहला फ्लाइट है और ये सेकेंड फ्लाइट है, तो ये प्लान, ये सेक्शन हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका सेक्शन, क्लियर, और ये आपका प्लान हो गया। तो ये आपका लैंडिंग जिसे आप ठहराव बोलते हैं, और ये दूसरा फ्लाइट है, यानी कि आपका ये लैंडिंग हो गया, ये देखिए, तो ये लैंडिंग, क्लियर, ये समझ में आया, ये लैंडिंग, यहां पे लैंडिंग सेक्शन में, ये पहला, यहां से आप स्टार्ट करेंगे स्टेयर। तो ये बीच में गैपिंग कितना रखें, तो 1 फीट रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन स्पेस कम होता है, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में गैपिंग नहीं रखते हैं,
तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे 7 फुट × 6 फुट में स्टेयर कैसे बनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ऑफर जो है 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक आपको ऑफर चल रहा है। कोई सा भी स्टेयर का अगर आप डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो ओनली आप 51 रुपीज में बनवा सकते हैं। अगर हाउस प्लान बनवाना चाहते हैं आप, अगर घर का नक्शा बनवाने चाहते हैं तो 251 में अप टू कितना होना चाहिए 1000 स्क्वायर फुट, अप टू 1000 SFT स्क्वायर फुट होना चाहिए। और 2D प्लान मिलेगा आपको, प्लान क्या मिलेगा 2D आपको हाउस प्लान मिलेगा और स्टेयर का डिजाइन आप 51 में करा सकते हैं। यही ऑफर आपको होने वाला है। तो चलिए हमारे फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ओके। और हमारा आईडी है आप देखिए civilsiteknowledge0708@gmail.com, आप इस पे मेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो ऑफर पीरियड चल रहा है 7 to 14 अगस्त 2022, ओके। तो ये ऑफर का बेनिफिट उठाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन एक्चुअली में करते कैसे है। क्लियर, देख लीजिए आपका कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास जो प्लान है, प्लान जो कहने का मतलब ये जो स्पेस है कितना है 7 फीट हो गया और ये 6 फीट हो गया। क्लियर, तो 7 बाई 6 फीट में अगर आपको स्टेयर बनाना है तो देखिए ये प्लान हो गया। प्लान को आप क्या कीजिए, ये लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे और स्टेयर का चौड़ाई जो मैं रख रहा हूं आपको, स्टेयर का चौड़ाई यानी कि यहां से लेकर यहां तक और ये आपका ये, ठीक है। तो ये प्लान जो हुआ, देखिए दोनों प्लाई के बीच में गैपिंग नहीं है। हम मैंने बोला कि आपको गैप प्रोवाइड करना जरूरी होता है, तो गैप प्रोवाइड करेंगे हम ताकि आपको स्टेयर बेस्ट बना के दो, ओके। तो ये आपका लैंडिंग हो गया। लैंडिंग के बीच में ये देखिए, ये फ्लाइट 1 और ये फ्लाइट 2 और ये आपका लैंडिंग, ठीक है। अब देखिए ये लैंडिंग जो है आपका 10 इंच का है, कितना का है 10 इंच का, लेकिन स्पेस कम है, इस लैंडिंग में भी स्टेप बनाना पड़ेगा, ओके। और देखिए आपका ये आपका हो गया 2 फीट 7 इंच का, यहां से यहां तक, ओके। और ये आपका 2 फीट 7 इंच, यानी कि एक जो स्टेयर का विड्थ जो रहेगा, जो स्टेयर बनाएंगे जो यहां से स्टार्ट होगा 2 फीट 7 इंच का, फिर लैंडिंग पे आएंगे इस एरिया में भी आपको स्टेप बनाना पड़ेगा। तो टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिपेंड करता है स्लैब हाइट पे। देखिए ये डिपेंड किस पे करता है, स्लैब हाइट पे। तो नंबर ऑफ आर यानी कि राइजर कितने होंगे, जैसे कि आपने यहां पे देखा, देखिए यहां पे देख लीजिए, ओके। तो ये कैसे डिपेंड करता है कि ये टोटल नंबर ऑफ आर किस होगा, तो स्लैब हाइट पे डिपेंड करता है। तो स्लैब हाइट कितना कंसिडर करें 10 फीट, क्लियर। तो ये 10 फीट है, इस पे ही डिफाइन करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे, ओके। नंबर ऑफ आर इक्वल टू स्लैब हाइट, जो भी आपका छत का ऊंचाई है स्लैब हाइट, बटे में आपका एक स्टेप का हाइट कितना रखना है। तो मैं आपको बताया कि आर इक्वल टू 6 इंच रखें या 5 इंच से लेकर के 7 इंच के बीच में। तो ये स्पेस कम है इसलिए मैं 7 इंच रख रहा हूं। तो ये आपका हाइट ऑफ राइजर, एक राइजर का स्लैब हाइट कितना है आपका, देखिए 10 फीट है, अब बटे में कितना, इसको हम 7 इंच रख रहे हैं। तो देखिए ये फीट में है और ये इंच में है, तो एक यूनिट में चेंज करना है तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इंच में बदले तो 120 / 7, ओके। ये डिवाइड कीजिए, आप भी साथ साथ में कीजिए। तो ये डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका पास 17.14, ओके। तो ये 17.14 या तो 17 रखिए तो 18 रखिए, तो आर इक्वल टू कितना रखना है, तो या तो 17 या तो 18 नंबर। तो ये मैं आप कंसिडर कर रहा हूं आर इक्वल टू 17 नंबर। अगर 17 नंबर रखेंगे तो 14 जो ज्यादा हो रहा है ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपको मैनेज करना होगा, ओके। चलिए देखिए आर इज इक्वल टू 17 नंबर आप अगर रखते हैं
तो 1.7 इंच का रखेंगे, 1 का 7 इंच, तो 17 × 7 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 119, यानी कि आपको टोटल क्या है 120 इंच है, 119 इंच हो रहा है, यानी कि आपको एक स्टेप में मैनेज करना पड़ेगा। ओके, 1 इंच मैनेज करना पड़ेगा, क्लियर। तो पहला जो स्टेप है यानी टोटल जो 17 नंबर हो रहा है उसमें 16 नंबर आपको R इक्वल टू 16 नंबर ये 7 इंच का रखिए और 1 नंबर जो है आपका 8 इंच का रखिएगा तो ये 120 इंच हो जाएगा। ओके क्लियर, तो ये 17 नंबर और टोटल ये देखिए तो 120 नंबर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू आर माइनस वन होता है, टी इक्वल टू आर माइनस वन यानी कि टी इक्वल टू 17 - 1 यानी कि 16 नंबर, क्लियर। अब देखिए ये आपका तो स्टीयर बन के तैयार हो गया, अब आप स्टीयर बना सकते हैं। कैसे इसका मैं प्लान आपको बता दूं, अब देख लीजिए प्लान ही मेन है या तो, क्लियर। ये देखिए प्लान क्या है आपका 6 फीट, ये 6 फीट है, ये आपका 7 फीट है, क्लियर। यहाँ प्लान में टी शो होता है यानी टी हमारा कितना है हमारा 16 नंबर। तो देखिए एक लैंडिंग हमने बोला कि लैंडिंग प्रोवाइड किया, तो लैंडिंग कितना प्रोवाइड करेंगे 2 फीट 6 इंच का, यानी 2 फीट 6 इंच यानी आपका ये 30 इंच हो जाएगा। ओके सॉरी ये फीट में है, तो देखिए ये 30 इंच हो गया यानी कि यहां से यहां तक ये इंच, तो टोटल आपका ये 7 फीट है, 7 फीट में अगर 30 इंच चला गया सब वो डेट मान लिया जाए तो देखिए 7 × आपका 12 कीजिएगा यानी इंच में बदल दीजिए तो ये क्या होगा 84। ओके तो 84 में 30 तो चला गया था, कितना बचा यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बचा आपका यानी 54 इंच। ओके तो 54 इंच में टी मैंने आपको बताया कि टी आपको रखना है 10 इंच, लेकिन स्पेस कम है तो 9 इंच मैं कर रहा हूं, कितना 9 इंच मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो 9 इंच यानी कि डिवाइड कर दीजिए 54 अब भागे 9 इंच कीजिएगा टी, एक टी का विड्थ हम निकालेंगे तो ये कितना होगा 6 नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। ओके यानी कि इधर से यहां तक 6 नंबर बनेगा, मैं बोला कि दोनों फ्लाइटों में मैंने गैप प्रोवाइड किया हूं। ओके तो इधर देखिए आपका 6 नंबर बनेगा, स्टेप कितना बनेगा 6, 5 हो गया, एक आगे एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा ये 6। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब देखिए इसको इधर भी स्टेप बनाना पड़ेगा, तो ये देखिए 7, ये 8 और इसमें एक आपको स्टेप बनाना पड़ेगा आपको एक और इस लैंडिंग में 9, ये 10 और 10 आपका ये इधर 6 नंबर, तो टोटल 16 नंबर हो गया ना, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, तो ये टोटल 16 नंबर हो गया। तो इस तरह से आप स्टीयर बना सकते हैं 6 × 7 फीट में। ओके लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वहां पे स्टीयर बन सकता है जहां गेस्ट रूम से अटैच हो, नहीं तो आपको एक लैंडिंग का अगर ये भी यहां एक लैंडिंग का स्पेस जोड़ना पड़ेगा ताकि ये टर्न होकर फिर ऊपर कंटिन्यू बन सके। ओके तो ये वहां पे स्टीयर बन सकता है जहां गेस्ट रूम से अटैच हो या कोई स्पेस से अटैच हो तभी इस एरिया में बन सकता है। ओके तो आप देख लीजिए इसका, तो अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो जल्द ही कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाएगा और जैसे कि मैंने बताया कि आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, गूगल पे फोन पे सब कुछ आप कर सकते हैं। ज्वाइन अगर आप कर लेंगे, अगर मेंबर बन जाएंगे सिविल साइट नॉलेज का तो आपको फ्री में बन जाएगा, कभी भी आप कमेंट करेंगे आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।